वही धमतरी में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रेत खनन परिवहन और डंपिंग नियम विरुद्ध किया जा रहा है। वही रेत के अवैध भंडारण की शिकायत पर धमतरी एसडीएम ने दल बल के साथ ग्राम मुजगहन पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, जहां मौके पर भारी मात्रा में रेत डंपर पाया गया। इस दौरान मौके से जेसीबी सहित रेत से भरी 20 ट्रकों को जब्त कर कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सौंपा गया। इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एसडीएम का कहना है कि मौके से जो वाहन जब्त किए गए हैं, किसी के पास रेत परिवहन को लेकर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं था और ना ही भंडारण के लिए कोई अनुमति ली गई थी। ये प्रकार से अवैध डंपिंग की जो है वो जानकारी प्राप्त हुई थी और वहाँ पर पाया गया कि इस प्रकार से जो गाड़ियाँ उसमें रेत लोडेड थी और इसके कारण से जो है उसको जब्त किया गया और खनिज अधिनियम के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। वो अपने दस्तावेज जो है वो संबंधित विभाग में प्रस्तुत कर लेंगे। जब उनको नोटिस जारी होगा उसके हिसाब से वो अपनी अपना पक्ष रख सकते हैं, पक्ष रखने का। हमने जो जाँच की उसमें किसी ने आर्टिकल चली।